दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन. एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ. ये रेलवे गुलाबबाड़ी फाटक के पास यहाँ कम से कम 71 दुकानें थी. आज नगर निगम IDA ने आके इनको सबको डोनर्स कर दिया. 7 दिन पहले हमारे को नोटिस दिए थे क्या दुकान खाली कर दो. यहाँ पर पुल का निर्माण हो रहा है इस कारण. अब आपका परिवार कैसे चलेगा? कितने साल से यहाँ पे? मेरी दुकान यहाँ से 25 साल से थी, 25 वर्ष से थी. और अब 3 महीने तो कोरोना हो गया, कोरोना का संकट आ गया. अब थोड़ा बहुत दुकान खोलने का टाइम मिला. इन्होंने ADA नगर निगम वालों ने आके हमारे को अर्जेंटली नोटिस दिए और हमारी यहाँ सारी दुकानें तोड़ दी इन्होंने. एक दुकान से कितना परिवार चलता था आपका? एक दुकान से आप मान लो यहाँ पे 73 दुकानें थी. एक परिवार में 5 भी सदस्य हो तो कम से कम 1500 बच्चे, उनको क्या होगा? आप क्या करें? क्या बेरोजगार हो गए? क्या करें? रोजी रोटी सब छिन गई. अब क्या करेंगे? 25 साल से यहाँ पर अपना धंधा कर रहे थे. अब ये कह रहे हैं पुलिया के नीचे देंगे दुकानें. अब वो पता नहीं कब देंगे. अभी तो दे दिया भाई. और जो भी बोल रहे हैं कि आपको डबल DLC रेट से पैसा दे के दुकानें खरीदनी पड़ेगी. मेरा नाम सुमेर सिंह, मेरा यहाँ पे फ़ोटो स्टूडियो था. LC 44 जो ये ओवर ब्रिज बन रहा है यहाँ पे, इस ओवर ब्रिज का पिछले 4 महीने से काम रुका हुआ था. इसका कारण ये था कि जो दुकानें वगैरह जो नीचे बनी हुई थी अवरोध में आ रही थी. इस संबंध में गवर्नमेंट ने एक मीटिंग ली, मीटिंग लेकर के और गवर्नमेंट ने DC साहब के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया, उसकी रिपोर्ट को अप्रूव किया. उसके बाद में जितनी भी है यहाँ करीब 71 दुकानें थी जिनको हमने आज डिसमेंटल किया है. इन्हीं सभी 71 दुकानों को जब ओवरब्रिज बन जाया था उसके बीच में जितना उनका नाप था उतने नाप का वापस देके उन्हें स्थापित किया जाएगा. और इस कार्य को चालू रहे और पुलिया जल्दी से बन जाए इस कारण से हमने आज इनको सबको हटाया है. 18 तारीख को हमने नोटिस दे दिया था, 7 दिन का समय दिया था कि 7 दिन में ये खाली कर लें. ज़्यादातर दुकानें खाली हैं और सिर्फ निगम को तोड़ने का काम है जो अभी कर रही है. नगर निगम ने इमदाद मांगी थी अतिक्रमण को हटाने के लिए, तो पुलिस लाइन से और थाना अलोर गेट से जाप्ता यहाँ पर मौजूद है. कानून व्यवस्था के लिए किसी प्रकार का विरोध नहीं और शांतिपूर्ण तरीके से 74 दुकानों का जो अतिक्रमण है वो हटाया जा रहा है.